आम आदमी पार्टी से सभी राजनीतिक दलों में खौफ, मैदान छोड़ भागे पूर्व सीएम। आम आदमी पार्टी के डोईवाला कार्यालय में गुरुवार को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और डोईवाला विधानसभा से प्रत्याशी राजू मौर्य केतन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया, आम आदमी पार्टी राज्य की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने सभी विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की। भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य सभी राजनीतिक दल आपके मैदान में आने से बुरी तरह डर गए हैं, क्योंकि विकास के नाम पर दोनों पार्टियों ने जनता को कुछ नहीं दिया। नवभारत समाचार डोईवाला से ज्योति यादव की रिपोर्ट। पत्रकार वार्ता में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से नॉमिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, डोईवाला विधानसभा में भी नॉमिनेशन होने हैं और पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया है। लेकिन वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की एंट्री से इतना डर गई है, इतना बौखला गई है कि वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अपने प्रत्याशी कब उतारे मैदान में। कल से नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, आज तक प्रत्याशियों की कोई सूची नहीं आई, ना भाजपा की आई ना कांग्रेस की आई। और वही आम आदमी पार्टी की एंट्री से किस कदर बौखला गए हैं या डर गए हैं कि इनके बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो आज मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। कल जो कि डोईवाला से कई बार विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आज वो खुद मैदान छोड़कर भाग गए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अगर उन्होंने अपने कामों पर भरोसा होता और उनकी पार्टी ने टिकट दे दी होती तो निश्चित रूप से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जैसे सीनियर लीडर पार्टी के आज मैदान छोड़कर नहीं भागते, क्योंकि डोईवाला विधानसभा के अंदर भाजपा और कांग्रेस इन दोनों ही पार्टियों ने कोई विकास कार्य नहीं किया है, इसीलिए ये अपना प्रत्याशी घोषित कर पाने में इतना समय लगा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो जनता के अंदर अपार समर्थन और प्यार आम आदमी पार्टी को लेकर देखने के लिए मिल रहा है, आम आदमी पार्टी का रास्ता जनता अपने आप साफ कर रही है, आगे बढ़ा रही है और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जीत का परचम डोईवाला विधानसभा में लहराएगी।